बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके बैंकों में पड़े पैसों से क्या होगा, क्या वो सेफ होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में हमने बात की थी। लेकिन नीचे बहुत सारे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप PTI के हो, डिफॉल्ट वाला कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आज आपके सामने हकायक रखूंगा और फिर आप खुद फैसला करेंगे और एंड पे कुछ चीज़ें मैं मजीद लेके आया हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो बैंकों में पड़े पैसों के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, जिन लोगों की बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंची हुई है और जो लोग हकायक का सामना करने की सलाहियत रखते हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी की फेवर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल पब्लिक की तरह बात कर रहा हूँ कि हकीकत की बात कर रहा हूँ कि ये हो सकता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो उनका बेहतर सलूशन क्या हो सकता है, इस वक्त आपके लिए फैसला करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त हमारे पास जो रिजर्व पड़े हैं स्टेट बैंक पाकिस्तान के डॉलर की सूरत में वो 12.5 अरब डॉलर मौजूद है। ये आप लोगों ने याद रख लेना कि हमारे पास टोटल रिजर्व पड़े हैं वो 12.5 अरब डॉलर, उसमें से 5 अरब और 80 करोड़ डॉलर ऐसे हैं जो कि हमारे आम लोगों के बैंकों में पड़े हैं, तो उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई भी हुकूमत पाकिस्तान उनको हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो उनकी मलकियत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो पाकिस्तान भेजते हैं तो वो पाकिस्तान की वैल्यू में इजाफा करते जरूर हैं लेकिन उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पीछे हमारे पास कितने डॉलर बचे, तो हमारे पास अब पीछे बचे हैं 6 अरब और 70 करोड़ डॉलर पीछे बच जाते हैं अगर हम लोगों के जो डॉलर्स हैं उनको निकाल दें तो। अब याद रखिए, ये जो 6 अरब 70 करोड़ डॉलर ये पिछले 10 सालों में कम तरीन रकम है स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास, इससे ज्यादा कम रिजर्व पिछले 10 सालों में नहीं हुए हैं। अब ये सोचने की बात है कि जो 6 अरब और 70 करोड़ डॉलर आपको दिखाए जा रहे हैं क्या ये भी हमारे अपने हैं? तो जी हाँ गाइस, ये हमारे अपने नहीं है, ये भी हमने किसी लोगों से उधार के रखवाए हुए हैं सिर्फ अपनी जो है पावर बनाने में, शोमेंट बनाने में, इसके अलावा उससे ज्यादा इन पैसों की वैल्यू कुछ नहीं है। अब 3 मुल्कों से हमने उधार पैसे लिए हुए हैं, जैसे कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर हमने लिए हुए हैं जो कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में पड़े हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हम इनका सूद भी अदा करते हैं और जब चाहे सऊदी अरब जब इन पैसों को बिना किसी नोटिस के 48 आवर्स के अंदर वापस ले सकता है, ये हमने लिख के दिया हुआ है। सॉरी, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, उन्होंने हमें 2 अरब डॉलर दिए हुए हैं और तीसरे नंबर पे आता है जनाब UAE, उन्होंने भी हमें 500 मिलियन डॉलर्स दिए हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे जो अपने डॉलर्स हैं वो 1 अरब और 20 करोड़ रुपए बनते हैं और ये 1 अरब और 20 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह की एक्सपोर्ट के लिए काफी है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ एक ऑयल का मुआहदा भी हुआ था जिसकी मालियत थी 1 अरब डॉलर, अगर उसे दे दिए जाए तो पीछे हमारे पास कुछ नहीं बनता है। तो फिर यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा ले कि हमारा मुल्क किस धाने पे खड़ा है और जो लोग बात कर रहे हैं कि टेक्निकली हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है तो ये बात किसी हद तक हकीकत है। अब दुआएं करनी चाहिए कि इस मुल्क को अल्लाह बचा ले, वगरना यहाँ पे हर इंसान जो है वो 2 नंबरी के चक्करों में, कोई नहीं चाहता कि ये मुल्क बचे क्योंकि कोशिश नहीं करता। अगर आप बातों से कहते हैं कि जी हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा लेकिन आप लोग एफर्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं, तो फिर वो आपकी जो बातों वाली हाँ है वो निरी बातों तक ही है, उसका असल हकीकत तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात आ जाती है जी बैंकों की तरफ, क्या आपके जो बैंकों के पड़े पैसे हैं वो महफूज होंगे? तो देखिए, जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उस वक्त क्या होता है कि हर बंदा जो है वो बैंकों की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे में बैंकों के जो खजाने हैं वो खाली हो जाती हैं और कोई भी बैंक नहीं चाहता कि हमारा जो बैंक है वो पैसों से खाली हो जाए क्योंकि बैंक रन ही आपके पैसों से करता है, वो चल ही आपके पैसों से रहा होता है। अगर आपको लगता है ना कि जी आपने बैंक में 10 लाख रुपए रखवाए हुए हैं तो वो आपको फौरन वो बैंक जब वो लॉकर में रख देता है वहां से चाबी लगा के ताला कर देता है तो वो पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। बैंक आपके पैसों को इस्तेमाल करता है, वो सर्कुलेट करता रहता है, कई जगहों पे इन्वेस्ट करता है, लोगों को कर्जे देता है, लोन देता है, तो किसी बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल होता है।
तो वो इतनी सारी कैश या एक तो बैंकों के पास फिजिकल तौर पे नहीं पड़ी होती है और ना ही वो एट अ टाइम इतनी कैश दे पड़ते हैं। जब लोगों का रुझान बढ़ेगा, जब लोग बैंकों की तरफ भागेंगे, तो ऐसी सूरत में बैंक आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। हो सकता है वो एटीएम्स को बैन कर दे या कैश विड्रावल पे बैन लगा दे, आपके अकाउंट्स को सीज कर दे, या फिर एक ये भी हो सकता है वो लिमिटेशन लगा दे कि आप जो है वो हफ्ते में या दिन में इतने ही पैसे निकलवा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही हो सकता है और आपके पैसों से आपके पैसों का कोई और नुकसान नहीं होगा। एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उस वक्त जो महंगाई की शरह है वो यहां से यहां तक चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी डॉलर का रेट चल रहा है 220 रुपए, जब मुल्क डिफॉल्ट करता है, करेगा अगर खुदा ना खास्ता कर जाता है, तो ऐसी सूरत में डॉलर जो है वो 500 से भी ऊपर चला जाएगा। अगर 450 तक भी रहता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपके बैंक में 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है तो मुल्क डिफॉल्ट करने के बाद उसकी वैल्यू 50,000 रुपए की, हालांकि पड़ा तो 1,00,000 ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू 50,000 रह जाएगी, क्योंकि बाहर जो चीजें आपको 1,00,000 में मिल सकती थी अब वो 2,00,000 की हो गई है। तो दैट्स मीन कि आपकी जो वैल्यू है, आपके जो पैसों की वैल्यू है, वो गिर जाएगी। तो उसका बेहतर हल यही है कि अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करें, जैसे कोई जमीन खरीद लें, प्रॉपर्टी ले लें, कोई चीज ऐसी ले लें, क्योंकि जो भी चीज आप लेंगे उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप सोने में सोना खरीद सकते हैं, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। कारोबार कर सकते हैं, जो बचत कारोबार में बरकत होती है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद हकायक थे। अब आप फैसला करें कि मुल्क हमारा किस दहाने पे खड़ा है और हम लोग और हमारे हुक्मरान जो है वो किस हद तक इस मुल्क के साथ सिंसेर हैं और कहां तक ये मुल्क जा सकता है, ये आपको अब बेहतर पता होगा। हकायक मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।